हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुरुपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको देश के उस शहर के बारे में बताएंगे जहां भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। ये शहर 100 स्मार्ट सिटी मिशन का एक पार्ट है और इसे सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे एल्डर सिस्टर ऑफ मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें और चर्च बने हुए हैं जिन्हें देखने हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। कई अलग अलग साम्राज्यों ने यहाँ पर शासन किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से इस शहर की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के शहर ठाणे के बारे में, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ठाणे की एक शानदार सफर पर। वर्तमान ठाणे जिले की आबादी 1,18,00,000 है, तो वही ठाणे शहर की कुल आबादी है 18,50,000 के आसपास। बात करें ठाणे शहर की तो ये एक छोटी लेकिन बेहतरीन सिटी है। धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठाणे में 78% हिंदू, 12% मुसलमान, 4% बौद्ध और 4% ईसाई और करीब 2% जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ठाणे में सबसे ज्यादा मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पुर्तगालियों ने यहाँ पर 200 से ज्यादा सालों तक शासन किया, इसी वजह से बहुत से लोग आज भी पुर्तगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पुर्तगाली कल्चर की झलक आज भी इस शहर में थोड़ी बहुत नजर आती है। ठाणे भारत के सबसे साफ सुथरे और विकसित शहरों की सूची में भी अपना स्थान बना चुका है। यहाँ की साफ सफाई देखकर आपको वाकई काफी हैरानी भी होगी। एक बार जो भी ठाणे घूमने जाता है उसका मन यहाँ पर बसने का जरूर करता है। दोस्तों, ठाणे शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में भी लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटिशर्स ने इस जगह का नाम ठाणे रखा है और इसकी उत्पत्ति ठाणे शब्द से हुई है, तो कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका मतलब होता है स्थान। लेकिन प्राचीन समय की बात करें तो इस जगह को स्थाना के नाम से जाना जाता है जिसका मतलब होता है भगवान गणेश का निवास स्थान। इस शहर को किसने बसाया या इसके संस्थापक कौन थे इस बारे में सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। 135 ईस्वी से 159 ईस्वी के दौरान ग्रीक टॉलेमी ने इस जगह को चेरस निसेस कहा था। इसके बाद मार्को पोलो यहाँ पर आए और उन्होंने इसे एक महान साम्राज्य कहा, क्योंकि उस समय ये यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था जहाँ से बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। सन 1321 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक ठाणे को शासकों के अधीन बताया जाता है। 1530 में पुर्तगालियों ने ठाणे पर शासन करना शुरू किया और इसे एक ट्रेंडिंग हब के तौर पर विकसित किया। करीब 200 सालों तक पुर्तगालियों ने यहाँ शासन किया। सन 1739 में मराठाओं ने ठाणे को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, लेकिन मराठा भी बहुत लंबे समय तक यहाँ पर शासन नहीं कर पाए। 1817 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और 1833 में इस जगह का नाम बदलकर ठाणे कर दिया गया। आपको बता दें कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। इसमें कुल 20 बोगी थी और 400 यात्रियों ने सफर किया। दोपहर 3:30 बजे ये ट्रेन स्टेशन बोरी बंदर से रवाना हुई और 4:45 बजे ठाणे पहुंचकर इसने अपना सफर पूरा किया। इस सफर की दूरी 35 किलोमीटर की थी। सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 रेल इंजन इस ट्रेन के लिए इस्तेमाल किए गए। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। वे सन 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और भारत में रेलवे लाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। आजादी के बाद ठाणे को महाराष्ट्र का एक जिला घोषित कर दिया गया। आज ये महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख जिलों में से एक माना जाता है और कोंकण मंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ठाणे महाराष्ट्र में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। ठाणे का लिटरेसी रेट 90% तक पहुंच गया है, जो भारत के अन्य कई बड़े शहरों से बेहतर है। कई बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ठाणे में मौजूद हैं। इनमें DAV पब्लिक स्कूल, हीरानंदानी फाउंडेशन स्कूल और होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल, लिटिल फ्लावर हाई स्कूल आदि शामिल है। इसके अलावा हायर स्टडीज के लिए डॉक्टर VN बेडेकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज, विद्या प्रसार मंडल के पॉलिटेक्निक आदि भी कॉलेज ठाणे में मौजूद है। ठाणे शहर में आज भी इंडियन एयरफोर्स के 2 बेस मौजूद है। साथ ही आज के समय में ठाणे में कई बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज स्थापित की जा रही है, जो आसपास के शहरों के अलावा अन्य राज्यों के लोगों को भी रोजगार की सुविधा दे रहे हैं। ठाणे शहर आज केमिकल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और कपड़े का बड़ा औद्योगिक केंद्र बन गया है। इसी वजह से महाराष्ट्र की GDP को मजबूत करने में आज ठाणे अहम योगदान दे रहा है। साथ ही ठाणे रियल एस्टेट के मामले में भी काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। जिन लोगों को मुंबई में घर लेना बहुत महंगा लगता है, वे ठाणे में घर खरीद रहे हैं और यही वजह है कि ठाणे में भी घरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ठाणे की गिनती आज उन शहरों में की जाती है जहाँ से सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त होता है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एक आर्टिकल में ठाणे शहर को ए
सिटी विद हैप्पी स्ट्रीट्स कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम होते ही यहाँ की सड़कों पर रौनक और चहल पहल शुरू हो जाती है। सुबह से शाम तक काम करने के बाद लोग कुछ वक्त के लिए टहलने बाहर निकलते हैं। ठाणे को झीलों की नगरी कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस छोटे से शहर में 30 से ज्यादा झीलें हैं। ठाणे के प्रमुख झीलों में मसुंडा झील, कचाराली झील, अम्बे घोंसाली झील, जेल झील, उपवन झील, खारे गांव झील आदि शामिल है। ठाणे को और ज्यादा विकसित करने में महाराष्ट्र सरकार तेजी से काम कर रही है। मुंबई के वडाला और ठाणे स्टेशन मेट्रो के जरिए आपस में जुड़े हैं, लेकिन इसके अलावा ठाणे में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने का काम भी लगातार जारी है। फिलहाल ठाणे में 2 लाइन में मेट्रो का काम जारी है। इसके अलावा ठाणे बोरीवली टनल, ट्रांजिस्ट सिस्टम और कई फ्लाईओवर्स का काम भी निर्माणाधीन है। दोस्तों आपको बता दें कि ठाणे की वृंदावन सोसाइटी को एक भूतिया जगह माना जाता है। आधी रात को अक्सर लोगों को किसी के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने अजीब से साए देखने की बात भी कही है। बहुत से लोग रात को घर से बाहर निकलते हुए भी डरते हैं। हाल ही में ठाणे के एक शख्स ने काफी सुर्खियां बटोरी। एक व्यक्ति ने ठाणे के शमशान घाट में जाकर आधी रात को केक काटा और इस दौरान उन्होंने अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया। असल में वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। दोस्तों ठाणे का स्ट्रीट फूड कमाल का है। पूरे शहर में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां आपको स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस नजर न आए। यहां का मिसल पाव और वड़ा पाव तो लाजवाब होता है। इसके अलावा बटाटा वड़ा पाव, पाव भाजी, कोथम्बीर वड़ी, चटपटी चाट, फलूदा और कई प्रकार की मिठाइयों का स्वाद भी आप यहां चख सकते हैं। ठाणे ने कई महान हस्तियां और सेलिब्रिटीज देश को दिए हैं। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मूल रूप से ठाणे के ही रहने वाले हैं। मशहूर यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली और क्रिकेटर पृथ्वी शॉ भी ठाणे से ही ताल्लुक रखते हैं। ठाणे में साल भर कई प्रकार के फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान जगह जगह दही हांडी उत्सव के कार्यक्रम होते हैं, जिनमें गोविंदा मटकी फोड़कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा गणेश चतुर्थी और नवरात्रि जैसे त्योहार भी यहाँ खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही गुड़ी पड़वा, शिवाजी जयंती, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद आदि त्योहारों के दौरान भी ठाणे काफी रौनक नजर आती है। उपवन आर्ट फेस्टिवल ठाणे का एक बड़ा फेस्टिवल है जो उपवन झील के किनारे आयोजित किया जाता है। 200 से ज्यादा आर्टिस्ट इस फेस्टिवल के दौरान अपनी उपस्थिति दे देते हैं। दोस्तों अब हम आपको ठाणे के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताने वाले हैं जहां आपको लाइफ में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। घोड़ बंदर फोर्ट ठाणे का सबसे मशहूर किला है, जिसका निर्माण 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने कराया था। इस किले का नाम घोड़ बंदर इसीलिए रखा गया है क्योंकि पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान यहाँ पर घोड़ों का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता था। घोड़ों का एक पूरा बाजार यहाँ पर लगता था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये जगह बेहद खास है और सैलानियों को ये जगह काफी पसंद भी आती है। येऊर की पहाड़ियों पर आप ट्रैकिंग और हाइकिंग का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने जाना हो या फैमिली के साथ पिकनिक पर, येऊर एक बेस्ट लोकेशन है। इन पहाड़ियों में से 2 चोटियों का नाम मामा भांजा हिल्स भी है। ये 2 अलग अलग चोटियां हैं और यहां से भी प्रकृति का सुंदर नजारा आप देख सकते हैं। इसी स्थान पर मामा भांजा की दरगाह भी बनी हुई है, जहां लोग श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। येऊर हिल्स असल में संजय गांधी नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। इसके अलावा आप ठाणे में कोपिनेश्वर मंदिर भी जा सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के द्वार पर नंदी की मूर्ति बनी हुई है जो भक्तों का स्वागत करती है। मंदिर में एक शिवलिंग मौजूद है जिसकी लंबाई और चौड़ाई करीब 5 फीट है। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग हर साल बढ़ रहा है और जब शिवलिंग मंदिर की दीवार को छू जाएगा तो दुनिया का अंत हो जाएगा। ठाणे में कासर वदावली नाम की एक सीक्रेट वाटरफॉल भी है जो घोड़ बंदर रोड के पास स्थित है। इस वाटरफॉल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और गूगल मैप पर भी ये शो नहीं होती। कुछ नया एक्सप्लोर करना है तो इस वाटरफॉल को देखने जा सकते हैं आप। ओबलेकर वाड़ी बटरफ्लाई गार्डन में जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप नेचर के करीब आ गए हैं। यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पौधे और तितलियां आपको नजर आएंगी। इसके अलावा सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च भी आप जा सकते हैं। इस चर्च का निर्माण सन 1579 में पुर्तगालियों द्वारा कराया गया। दोस्तों ठाणे आज सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग के जरिए देश के अन्य शहरों और राज्यों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कई शहरों से सीधी ट्रेन यहाँ तक आपको मिल जाएगी। वहीं मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। ठाणे घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है और इस दौरान भी बहुत ज्यादा ठंड यहाँ नहीं रहती। गर्मियों में उमस आपको परेशान कर सकती है। अगर आपको बारिश पसंद है तो जुलाई के महीने में यहाँ घूमने आ जा सकते हैं। इस दौरान ठाणे की झीलें भी और ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र का खूबसूरत शहर ठाणे। या फिर महाराष्ट्र से हैं आप तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं कैसा लगा ये
शहर। और वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।